हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन लेकर आया हूँ। इस डिजाइन को आप कार्डिगन, स्वेटर, बेबी स्वेटर, लेडीज स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। ये डिजाइन सिर्फ 8 रोज का डिजाइन है। इस डिजाइन को बनाने के लिए मल्टीपल ऑफ 12 प्लस 1 एज स्टिच में फंदा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 12 प्लस 1। रॉन्ग साइड से ऐसे दिखता है डिजाइन। इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 12 2 टाइम्स 12 प्लस 1 करके टोटल 25 फंदा डाला है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। रो 1 में फर्स्ट में 3 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3। 3 फंदा सीधा बुनने के बाद अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। इस धागे को आगे ले आना है, फिर फर्स्ट में 7 फंदा उल्टा बुनना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब 5 फंदा सीधा बुनना है, 1 2 3 4 5। आपको ये रिपीट करना है बार बार, इस 3 फंदों को छोड़कर, 1 2 3, इस 3 फंदों को छोड़कर। फर्स्ट में 7 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 5 फंदा सीधा उड़ना है, 1 2 3 4 5। आपको फिर रिपीट करना है, धागा के 7 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर धागा पीछे। लास्ट में आपको 5 फंदा की जगह 3 फंदा बचेगा, इस 3 फंदों को सीधा बुनना है, 1 2 3। रो 1 कंप्लीट कर लिया है। अब रो 2, रो 2 में आपको ये सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। रो 2 सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब रो 3, रो 3 में 1 फंदा आपको स्लिप करना है इसे, फिर एक बार पीछे से। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, 1 फंदा स्लिप के बाद एक बार पीछे से एंड ओवर करना है, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे करना है। अब 2 फंदा उल्टा बुनना है, 1 2, 2 फंदा उल्टा, फिर अब इस 3 फंदों को, 1 2 3, अब इस 3 फंदों को 1 फंदा बनाना है उल्टे से, इस 3 फंदों को 1 फंदा बनाना है, इसे 1 फंदा बनाना है, फिर 2 फंदा उल्टा,
एक दो, दो फंदा उल्टा फिर धागा पीछे करना है, अब दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक बार पीछे से एन ओवर करना है, एक फंदा सीधा बुनना है। यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है, स्लिप किया फंदा को छोड़कर। फर्स्ट में एक बार एन ओवर करना है पीछे से, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर तीन फंदा को एक फंदा बनाना है उल्टे से, फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक बार एन ओवर करना है पीछे से, लास्ट में एक फंदा सीधा बुनना है। फिर से एक बार रिपीट करना है, एक बार एन ओवर पीछे से, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, अब तीन फंदों को एक फंदा बनाना है, एक ये दो ये तीन, तीन फंदों को एक फंदा बनाना है इसे, फिर दो फंदा उल्टा, एक फिर धागा पीछे करना है, दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, फिर एक बार पीछे से एन ओवर करना है, फिर एक फंदा लास्ट में सीधा। यहाँ तक टू टाइम्स रिपीट किया है इसमें। रो थर्ड कंप्लीट कर लिया है, अब रो फोर्थ। फोर रो में आपको ये रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। रो थर्ड सॉरी रो फोर्थ सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो, फिफ्थ में आपको फर्स्ट में दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो, दो फंदा सीधा बुनने के बाद अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक बार पीछे से एन वर्क करना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, अब इस तीन फंदों को एक दो तीन, इस तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, तीन फंदों को एक फंदा बनाना है, फिर एक फंदा उल्टा, अब धागा पीछे करना है, अब दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक बार पीछे से एन ओवर करना है, अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। यहाँ तक वन टाइम्स रिपीट हुआ है, आप के रिपीट करना है, दो फंदों को छोड़कर, दो फंदा सीधा, एक दो, यहाँ से रिपीट है, एन ओवर एक फंदा एन ओवर पीछे से, वे दो, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, फिर दो फंदा ए सॉरी एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक बार एन ओवर, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। फिर से एक बार रिपीट करना है, पीछे से एक बार एन ओवर करना है इसे, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, अब तीन फंदों को एक फंदा बनाना है, एक दो तीन, इस तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, एक फंदा बनाना है, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करना है, अब दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक बार पीछे से एन ओवर करना है, लास्ट में तीन फंदों की जगह दो फंदा बजेगा, इस दो फंदों को सीधा बुनना है, एक दो।
रो फिफ्थ कंप्लीट कर लिया है आप। सिक्स रो सिक्स में आपको इस सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। रो सिक्स सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब रो सेवन में फर्स्ट में आपको तीन फंदा सीधा बुनना है। एक दो तीन, तीन फंदा सीधा बुनने के बाद अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। पीछे से एक बार एन ओवर करना है, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे। अब तीन फंदों को एक फंदा बनाना है, इस तीन फंदों को एक दो तीन, एक दो तीन से एक फंदा बनाना है, फिर धागा पीछे करना है। अब दो फंदा सीधा, एक दो, फिर से एक बार एन ओवर करना है पीछे से। अब पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है इस तीन फंदों को छोड़कर, एक दो तीन, फर्स्ट में एक बार एन ओवर करना है पीछे से, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक बार तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक बार एन ओवर करना है पीछे से, फिर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। आपको फिर से रिपीट करना है, एक रिपीट बाकी है। एन ओवर करना है एक बार, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर धागा आगे। तीन फंदों को एक फंदा बनाना है सीधे उल्टे से एक फंदा बनाना है, फिर धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक बार एन ओवर करना है पीछे से। लास्ट में पांच फंदों की जगह तीन फंदा बचेगा, तीन फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन। रो सेवन कंप्लीट कर लिया है। अब रो एट में आपको सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एट रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए एट रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा। फिर आपको ऐसा फुल डिजाइन आएगा। आपको वन से एट रो तक रिपीट करना है। फिर से आपको यहाँ से रो वन से स्टार्ट करना है। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।